गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और कल रात एक बहुत फनी चीज़ हुई। मैं ऐसे ही ब्लॉग देख रहा था थोड़े बहुत, तो उसमें एक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो आया। तो वो बंदा कुछ वे प्रोटीन्स एंड ऑल वो सब स्टफ अनबॉक्स कर रहा था। तो मैं उसकी जगह पे खुद को इमेजिन कर रहा था कि हाँ, एक दिन हम भी करेंगे ये सब। और क्यों नहीं कर सकते भाई अपन, मतलब एक बार अपन ने डिसाइड कर लिया तो करना तो है ही। ड्रिंक करने में क्या जा रहा है, जस्ट वी हैव टू मेक अवर स्टेप्स वेरी क्लियर। हमें बस करते रहना, काम करते रहना है। मैं मतलब रिजल्ट का वेट नहीं करने वाला हूँ, कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसका वेट करते रहेंगे तो फालतू में डिप्रेशन चले जाएगा। जस्ट मैं प्रोसेस को एंजॉय करने वाला हूँ पूरे। एक ना एक दिन तो मैं करूँगा वो, आई नो हम करेंगे एक ना एक दिन वो। उतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे में। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं पुणे। पुणे के लिए निकलूंगा मैं मुंबई से अराउंड 5:50 और समथिंग को, 10 या 10:30 तक मैं पुणे पहुंच जाऊंगा। तो सीधा भैया के फ्लैट पे चले जाऊंगा। वो कल आ रहा है, आज निकलेगा वो, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ। एंड मेरे भाई ने ऑब्वियसली एक और ट्रिप प्लान करी है, तो हम वहां जाएंगे। उसकी उसके भी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज, और प्लस नींद भी बहुत अच्छी आई मुझे। आज फुल डे है, मैं वर्कआउट करूंगा और उसके बाद घर आके फटाफट से खाना बनाऊंगा। एंड आई थिंक कि आज हमें रीडिंग सेशन भी यहीं पे करना होगा, क्योंकि अगर हम वहाँ जाके करेंगे, वो भैया की पीजी पे जाके करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमें ट्रबल होगा और वीडियो भी एडिट करना रहेगा ये। तो अगर हम कुछ कर ही नहीं पाए आज तो प्रोडक्टिव नहीं होगा आज का डे। समथिंग प्रोडक्टिव एवरी डे मस्ट हैपन, होना चाहिए यार थोड़ा बहुत। तो मतलब मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था भाई, मैं बहुत मतलब बहुत लेजी पर्सन हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ। और ये सब चीज़ें मेरे लिए मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस है कि हाँ, अगर हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो रिजल्ट भी हमें मिलेगा, आई नो दैट। और कंसिस्टेंसी देखिए, वो तो सभी सभी चीज़ों में लागू है। अगर आप किसी भी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहते हो, जस्ट लाइक मैं जिम में कंसिस्टेंट हूँ। अगर कोई बंदा होता है भाई 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, और मेरे को बोला भी है बहुत सारे जनों ने, मेरे ही खुद के दोस्तों ने बोला है भाई 3 महीने में तेरी जितनी बॉडी बना दूंगा एंड ऑल। मैं उनके 3 महीने अभी भी वेट कर रहा हूँ, कब बना रहे। बट नहीं, आई नो इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, बट राइट टाइम आएगा तब सब चीज़ें हो जाएगी। आई नो दैट, उतना पॉजिटिव तो हूँ मैं। सब चीज़ें सॉर्टेड है, बस जिम जाना बाकी है। कल रात में 8:30 बजे मैंने डिनर कर लिया, उसके बाद मैंने बैकपैक करी। एंड बैकपैक करने के बाद माँ से बात करी, और 9:30 बजे तक तो मैं व्लॉग्स ही देख रहा था। उसके बाद मेरा वीडियो अपलोड कर दिया एंड देन वी वेंट टू स्लीप। मज़ा आया कल मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्टिव काम करे कल, और वीकेंड वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो एक वो रिलीफ है मेरे दिमाग में। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू द जिम। Here we go। बहुत अच्छा लग रहा है यार आज मुझे। मैं बहुत दिनों से मतलब ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 मंथ्स कि मैं पुणे नहीं गया, तो अच्छा लगता है यार। वो एक सेकंड होम ही है मेरे लिए। मेरा भाई रहता था वहाँ पे, मतलब हम साथ में ही रहते थे, मेरा भाई, मैं और उसके फ्रेंड्स और ऑल। तो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और छुट्टियों में मैं चला गया घर पे, और उसके बाद वेट करता रहा जॉइनिंग आएगी बट नहीं आई। तो आई थॉट कि अभी वेट एंड हो गया, तो चलो वेट एंड कर दिया और मैं आ गया वहाँ पे मुंबई। और मेरा भाई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो हम दोनों भी जन घर पे ही थे। और उसके बाद वो वापस चले गया था पुणे, और मैं घर पे ही था। बल्कि बन गया था पूरा, सांड बन गया था 100 किलो का। फिर क्या, फिर कट करना पड़ रहा है अभी। मतलब 100 किलो का बंदा कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट 100 किलो। लेकिन वो भी क्या दिन थे, पे बहुत मस्कुलर दिख रहा था वो उस टाइम में। डरते थे लोग मेरे से, अभी भी डरते हैं, बट उतना नहीं। अभी मैं बहुत मतलब लीन हो गया हूँ। तब तो भाई ऐसा लगता है कि कोई तो भी ऐसा मस्कुलर बंदा, बट उस टाइम मेरा पेट भी बहुत निकला हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो मेरे लिए भी वो डिफ़िकल्ट था। बट अभी नहीं है, देखो अभी पूरा प्लेन हो गया। बहुत एक्साइटेड हूँ आज मैं, एक्साइटमेंट के मारे मेरे पैर फील ही नहीं हो रहे। लेग डे था ना,
कुछ मतलब मुझे लेग डे का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो सोरनेस ही नहीं आती, एंड वो इट्स अ गुड थिंग बाय द वे, सोरनेस नहीं आई तो अच्छी बात है ब्रो, सोरनेस आई तो समझ लेना कुछ ना कुछ लगी पड़ी है अपनी। मुझे सोचना पड़ता है यार क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा थॉट्स आते नहीं, मेरे दिमाग में एक सिंगुलर थॉट आता है जस्ट लाइक जोई, इफ यू गाइस हैव सीन फ्रेंड्स तो आपको पता होगा, बट पर्सनली मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है भाई सच्ची में, मैं कभी भी उसे देख के बोर नहीं होता, बहुत सुना था पहले उसके बारे में कि हाँ भाई फ्रेंड्स ऐसी है, बच्चों सीरीज है एंड ऑल, जस्ट मैंने देखी भाई तो मज़े ही आ गए, मतलब 7 से 8 बार अभी तक मैं देख चुका हूँ एंटायर सीरीज, पूरे 10 सीजन, मज़ा आता है यार वो सीरीज़ देखने में, ऐसा लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ दैट, मैं कभी ऐसा लैपटॉप फील नहीं करता अगर मैं वो सीरीज़ देख रहा हूँ तो, मज़े आते हैं मुझे। और गॉड से आज एस्केलेटर चालू हो प्लीज़, यस इट्स वर्किंग, फाइनली आज हम हमारी पोस्ट कर सकते हैं। यूजुअल से ज़्यादा क्राउड लग रहा है आज, केड़ी देना गॉट द बनाना, और बहुत भूख लगी है यार क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट बीन मतलब 12 आवर्स वी हैवंट हैड एनीथिंग, क्योंकि भाई 8:30 बजे डिनर करने के बाद क्या ही होगा, 12 घंटे के बाद भूख तो लगनी ही लगनी है यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मतलब मेरे पेट से आवाज़ आ रहा है भाई अभी, पहले खाना पड़ेगा। वी हैव अराइव्ड एट द जिम गाइस, lane fast, call it high speed, I've been working hard, yeah, I've been working nightly, if you think you'll win, ha, nah, f***ing likely, I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy, watching numbers grow is what I call sightseeing, in the front row, run it up when they hype me, the following grows, they know how to ignite me, call me CEO, I've been running sh** right, see, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah I commit, and no I'm never getting lost, I get after it, investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend, everything that you see is something I invent, and it's only 1%, I'm gonna take shots, if I miss all forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it, I'm taking snapshots, learning how to fall and get it, I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it, I'm always learning, you could call me academic, I'm always working, never been apathetic, fat energy is like a poison, needs a man, a septic. You know what time it is? It's showtime.
10/10 वर्कआउट, 10/10 पंप आपको दिख ही रहा होगा। और आज हमें थोड़ा बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 2:25 की ट्रेन है दादर से। स्लाइट चेंज ऑफ प्लान, मैं घनसोली नहीं जा रहा हूँ, पुराने रूममेट के PG पे नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं आ नहीं रहा भाई। ठीक है, अभी उसका कुछ रीज़न होगा, बट फिर वहाँ से ऐसा उल्टा जाके फ़ायदा नहीं है मुझे, सीधा मैं दादर से ट्रेन पकड़ूँगा। दादर से 2:25 की ट्रेन है, तो आई गेस हमें 1 बजे घर से निकलना होगा। पहले खाना बनाना है अभी घर जाके, बहुत भूख लगी है। लौंडो, मील्स बना के रख दिए, ये 2 मील आज हम पैक करके ले जाएंगे और फटाफट से खाना है और हमें 1 बजे एनी हाउ निकलना है, एनी हाउ, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी ब्रो। और मेरी एक बार मिस हो चुकी है तो मेरे को मालूम है कितना बुरा लगता है। तो सी यू गाइस एट द स्टेशन। हे गाइस, वी आर ऑफ टू स्टेशन, अभी स्टेशन जाएंगे। मैंने चेक किया था तो एक अर्ली ट्रेन थी जो कि थी 12:55 को, अगर हम वो कैच कर सकते हैं तो वो करेंगे, नहीं तो एक 2:15 को है और एक 2:25 को है। आई होप कि हम पहली वाली पकड़ ले, जल्दी जाना है। मेरे को एक्साइटमेंट में समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेड इट इन टाइम, और अभी 12:55 की जो ट्रेन आने वाली है, ये आंटी बोलने नहीं दे रही है, जान दो इसको। और 12:15 की ट्रेन हम पकड़ लेंगे, स्नैक्स से मतलब हम पहुँच ही गए पकड़ लेंगे। थोड़ा बहुत स्नैक्स भी ले लिया है हमने, एक गुड्डे का पॉकेट ले लिया है, सॉरी गाइस, बट एक गुड्डे ले लिया, मूंग दाल, और हमने अभी एक लस्सी पी है एंड एक दूध पिया है बस, बाकी कुछ नहीं। सक्सेसफुली ट्रेन पकड़ लिया है, अभी निकलना है, अभी निकलना है, मज़ा आएगा। ऑलमोस्ट 5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए पुणे। भाई वो कितना ट्रैफिक, मतलब कितना क्राउड था वो स्लीपर के इसमें, कोच में, फिर भी मैं भी था वहाँ पे, वन ऑफ देम मैं भी था। और भाई लेकिन इतना अकड़ गया था मैं बैठे बैठे, मुझे मतलब मेरे पैर ऐसे स्टिफ हो गए थे वहाँ पे, और कुछ कर भी नहीं सकते, पैर ऐसे लंबे भी कर नहीं सकता था मैं, फिर भी कैसे तो भी करके निकाल दिया। अभी बस पहुंचना है, शायद से आधा पौना घंटा लगेगा पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी पीक टाइम है और पीक टाइम में बहुत ट्रैफिक होता है। सीधा मिलूंगा अभी आपको फ्लैट पे। टुक 1 आवर टू रीच, बट फाइनली वी मेड इट, हम पहुँच गए, 2nd फ्लोर पे है, मैं रहता था पहले यहाँ पे, और लास्ट ईयर हमारे एग्जाम्स चालू थे तब मैं यहाँ पे था। अभी देखना पड़ेगा फ्लैट की बहुत गंदी हालत होगी, लेट्स सी। हाँ भाई मैं आ गया मैं, तो गाइस मैं पहुँच गया अंदर, और मैं आपको फ्लैट की हालत नहीं दिखा सकता, बहुत गंदा फ्लैट है, बहुत गंदा, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज़ वेयर आई यूज़ टू स्लीप, बट ये पूरा गंदा कर दिया है इन्होंने, और थोड़ी बहुत तो मैं दिखा सकता हूँ ऊपर से, बहुत मतलब नहीं भाई, नहीं नहीं होता अभी इस पे रहना, बट अभी 2-4 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद से साफ़ सफाई भी मैं करूँगा आके, मुझसे इतना गंदी हालत में नहीं रहा जाता भाई, नहीं सच्ची में, तौबा तौबा। चलो फ्रेश होते हैं एंड रीडिंग सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद खाना खाने बैठ जाते हैं। हमारे 2 मील्स हमने प्रिपेयर करके रख दिए थे, बट हमने ट्रेन में नहीं खाए क्योंकि खाने का चांस ही नहीं मिला। मैंने बाकी जो स्नैक्स वगैरह लिया था उसी से मैंने पेट भर लिया,
अभी फ्रेश होता हूँ एंड रीडिंग सेशन कंप्लीट करके मैं आपको शाम में मिलूंगा। गाइस जस्ट डन विद द वन आवर रीडिंग सेशन और अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तो ये वीडियो मैं एडिट करूँगा और स्केड्यूल करके रख दूंगा और मैं जल्दी सो जाऊँगा खाना खा के। मैंने टिफिन तो अपने लाए थे वो खाए नहीं, बट अभी खाऊंगा मैं उन्हें। एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपको कल सुबह 6 बजे। टिल देन पीस आउट।